नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी चुग ने कहा, चीन और पाकिस्तान से नहीं, युवाओं से बात करेगी भाजपा। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हरियाणा ने कहा, पराली के मामले में चाहिए केंद्र की मदद। यूएन में कश्मीर राग पर भारत ने पाक को लताड़ा, कहा पाकिस्तान में खुले घूमते हैं आतंकवादी। भारत फ्रांस की आतंकवाद रोधी बैठक, अलकायदा आईएस सहित कई संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर। विदेशी नागरिकों को राहत, रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिकल पेश होना जरूरी नहीं, नियम संशोधित। कंगना रनौत की बातों पर बोले महात्मा गांधी के पड़पोते, वो लाइमलाइट में रहने के लिए उल जुलूल बातें करती हैं। हिमाचल में होगी गदर 2 की शूटिंग, हेरिटेज गांव गरली परागपुर आएंगे सनी देओल। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कहा भारत में अब कोरोना संक्रमण का खतरा बेहद कम। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, अगर जिम्मेदारियां नहीं संभली जा रही तो तुरंत इस्तीफा दे। बिहार उपचुनाव से तेजस्वी को मिला शुद्ध लाभ, तो चिराग को बड़ा संदेश, एनडीए को पता चली विकास की रफ्तार। पूर्व कांग्रेस नेता योगानंद शास्त्री ने थामा एनसीपी का दामन, पिछले साल दिया था पार्टी से इस्तीफा। भाजपा के युवोत्थान कार्यक्रम में बोले सांसद गौतम गंभीर, देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आया। पंजाब चुनाव के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की तैयारी शुरू, बताया कैसे उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 साल पूरे होने पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा पीईसी राष्ट्र निर्माण का केंद्र। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन आपूर्ति को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, दिसंबर में युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करेगी योगी सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा बसपा को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हो रहे एमएलसी समेत कई बड़े नेता। पशुओं के इलाज के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल, गांवों में दरवाजे पर पहुंचेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट। यूपी के कृषि मंत्री का निर्देश, किसानों को इस माह के अंत तक फसल क्षतिपूर्ति का करे भुगतान। सरकार के प्रोजेक्ट गिनाते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा पूर्वी यूपी की जीवन रेखा।
औरैया में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता, इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। चंदौली में जनादेश यात्रा में शामिल हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर किया वार। खेल प्रतियोगिता में पहुंचे आईजी मैनपुरी में खेल प्रतियोगिता में पहुंचे आईजी विजयी रहे पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। रायबरेली में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान, बाउंड्री पार करके पुलिसकर्मी घर में घुसे, मामले में एसपी ने दिया जांच का आदेश। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर जारी, दो छात्राओं को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत एक घायल। संभल में समाधि बाबा पर आयोजित किया गया विराट दंगल, विराट दंगल का सफल आयोजन, दंगल में शामिल हुए कई लोग। सिद्धार्थनगर में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही महिला, महिला ने एसपी से मांगी मदद। रायबरेली में प्रकाशोत्सव के मौके पर शहर में जश्न, गुरुद्वारे से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अलीगढ़ में महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने किया काम, प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को सौंपा पदभार, रजिया खान बनी ब्लॉक महामंत्री। औरैया में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने किया प्रदर्शन, ब्लॉक मुख्यालय गेट पर हुआ प्रदर्शन। चंदौली में ट्रक और स्कॉर्पियो में हुई भिड़ंत, एक महिला की हुई मौत। गाजीपुर में राज्य मंत्री ने किया अखिलेश परवार, एक्सप्रेस वे के मुद्दे पर किया हमला। हमीरपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने परिजन को दी जानकारी, मौत से पहले का युवक का वीडियो हो रहा वायरल। कौशाम्बी में धोखा मिलने पर बौखलाई प्रेमिका, प्रेमिका ने किया चक्का जाम। संभल में गौशाला का हाल बेहाल, भूख और ठंड से हो रही गायों की मौत। अंबेडकर नगर में शुभा कसौधन हत्याकांड का मामला, व्यापारियों ने निकाली कैंडल मार्च। फरुखाबाद में महिला की लापरवाही आई, पुलिस की लापरवाही आई सामने, महिला को मारी गोली, महिला घायल। फरुखाबाद में युवती की गोली मारकर हुई हत्या, बहन के प्रेमी पर हत्या की आशंका। कौशाम्बी में वीरांगना उदा देवी पासी की पुण्यतिथि, बसपा प्रत्याशी ने दी श्रद्धांजलि। रामपुर में महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह, पीड़ित महिलाओं की सुनी समस्या। सिद्धार्थनगर में महिलाओं ने निकाली स्कूटी रैली, सांसद ने दिखाई हरी झंडी।
औरैया में ट्रैक्टर की टक्कर से शिक्षिका की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। फरीदाबाद में गौ रक्षक दल पर हुई फायरिंग, गौ तस्करों ने चलाई गोलियां। बदायूं में पीएम आवास योजना में घोटाला, पात्रों से वसूले जा रहे पैसे। फतेहपुर में पटाखों की दुकान पर हुई चोरी, चोरी की घटना से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा छात्र, हुआ भारी हंगामा, पुलिस बल तैनात। उत्तरकाशी में मनीष सिसोदिया का ऐलान, गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे कर्नल अजय कोठियाल। राजाजी टाइगर रिजर्व में रेल ट्रैक पर हाथियों की मौत, पार्क प्रशासन ने की हाईटेक तैयारी, लगेंगे हाईटेक सेंसर। कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि गैंग पर उत्तराखंड एसटीएफ का शिकंजा, शूटर पंकज हथियार के साथ गिरफ्तार। उत्तराखंड में ऋषिकेश और रुड़की के स्टील उद्यमी के घर और प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा। इंडिया बी टीम के लिए चुने गए युवा क्रिकेटर शाश्वत डंगवाल, बोले भारतीय जर्सी में देश के लिए खेलना लक्ष्य। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के सहायक परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जांच हुई शुरू। प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन, 20 को होने हैं कपाट बंद। हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर मचा घमासान, तीन लोग इस पद के लिए कर रहे दावेदारी। सीएम धामी ने लॉन्च किया उन्नति और अबड़ी सरकार पोर्टल, जुड़ेंगी 75 सेवाएं, ठंडे बस्ते में नहीं पड़ेगी योजना। उत्तराखंड में परिवहन कार्यालय और चेक पोस्ट पर ठप हुआ कामकाज, बेमियादी हड़ताल से बढ़ी परेशानी। ऋषिकेश में रानी पोखरी क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। उत्तराखंड में होम स्टे का किया जाएगा श्रेणीकरण, ऐसे तय की गई श्रेणी, पर्यटकों को भी मिलेगा लाभ। गिरिजा मंदिर में गंगा स्नान मेला निरस्त, श्रद्धालुओं को रोकने को तैयार रहेगी फोर्स। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा हमला, बोले कांग्रेस ने बाबा साहेब की अंत्येष्टि तक दिल्ली में नहीं होने दी। चीन में फिर फैल सकती है महामारी, वेट मार्केट से वैज्ञानिकों को मिले 18 और वायरस इंसानों के लिए खतरनाक। चीन अमेरिका के रिश्तों में नरमी के संकेत, मीडिया कर्मियों पर लगे प्रतिबंध हटाने के दिए गए निर्देश।
वनस्यू में भारत का पलटवार, कहा सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की पाक की जिम्मेदारी। सेना प्रमुख नरवणे ने इसराइल की उत्तरी सीमा का किया दौरा, सीमा प्रबंधन संबंधी पहलुओं की ली जानकारी। पाकिस्तान ने आतंक के समर्थक को बनाया अमेरिका का राजदूत, मसूद खान का लादेन से भी रहा है जुड़ाव। पाकिस्तान में सरकार से और सेना के बीच तकरार तेज, इमरान खान की पीएम पद से छुट्टी तय। फाइजर की कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार करेगा अमेरिका का एफडीए, जल्द होगी बैठक। पाकिस्तान ने नहीं बदला रवैया, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए कुछ देशों के मुहिम का किया विरोध। पाकिस्तान के पेशावर में पेटीएम की रैली, विभिन्न जेलों में बंद अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग। डबल ब्लास्ट से थर्राई युगांडा की राजधानी कंपाला, आत्मघाती हमलावरों समेत 6 लोगों की मौत। आरबीआई गवर्नर ने बताया टिकाऊ आर्थिक वृद्धि का फॉर्मूला, एफवाई 2022 के लिए 9.5% जीडीपी ग्रोथ के अनुमान पर कायम। भारत में 7 साल में आया रिकॉर्ड विदेशी निवेश, पीयूष गोयल ने एफडीआई में बढ़त जारी रहने की जताई उम्मीद। शेयर बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स 396 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद, निफ्टी भी 18,000 के नीचे पहुंची। आईपीओ आने के बाद कंपनियों पर लगेगी नई पाबंदी, सेबी ने पास किया प्रस्ताव। सोने और शेयर की तरह रख सकेंगे क्रिप्टो करेंसी, खरीदने बेचने पर लग सकता है बैन, सूत्रों के हवाले से खबर। कमोडिटी मार्केट में विदेशी निवेशकों को मिली मंजूरी, सेबी भी जल्द दिखा सकता है हरी झंडी। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब क्रेडिट कार्ड के जरिए ईएमआई पर करेंगे खरीदारी तो लगेगा चार्ज और टैक्स। राकेश झुनझुनवाला की आकाश एयर टेक ऑफ के लिए तैयार, विमानों की खरीद के लिए बोइंग के साथ हुई डील। टेस्ला ने नोएडा बेस्ड स्टार्टअप को दिया बड़ा ऑर्डर। रेटिंग्स ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से हुआ सुधार, 8.7% रहेगी जीडीपी ग्रोथ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच छोड़ सकते हैं अपना पद, पूर्व कप्तान ने किया खुलासा। टी20 विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हुए रवाना, सेमीफाइनल में हारी टीम के साथ। एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा, टी20 वर्ल्ड कप के हीरो को नहीं मिली जगह।
आई को होगी 1500 करोड़ रुपए की बचत, आईसीसी ने दी बड़ी राहत। पाकिस्तानी टीम की हरकत से मेजबान बांग्लादेश में बवाल, बयान करने की उठी मांग। प्लेइंग 11 में की हरभजन सिंह ने विजेता की भविष्यवाणी, प्लेइंग 11 में नए कप्तान रोहित शर्मा और नवनियुक्त कोच राहुल द्रविड़ की पैरवी की। राहुल द्रविड़ ने कहा, हर परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग टीम नहीं, बड़े टूर्नामेंट पर हमारी नजर। पाकिस्तान के झंडे लगाने पर मचा बड़ा बवाल, टी20 वर्ल्ड कप से खाली हाथ लौटी थी पाकिस्तानी टीम। उनतालीस साल के हुए यूसुफ पठान ओडीआई में 8वें नंबर पर, हासिल की है खास उपलब्धि। पूर्व क्रिकेटर का छलका दर्द, ब्रिटेन के संसद की कमेटी के सामने कहा, नस्लवाद से मेरा करियर और सपना तबाह हो गया। भारत की आजादी के बाद अब कंगना रनौत ने महात्मा गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, राष्ट्रपिता को बताया सत्ता का भूखा और चालाक। सिकंदर खेर ने अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, लिखा प्यार भरा पोस्ट। अमेरिका में भारत का अपमान करने पर बढ़ी वीर दास की मुश्किलें, शिकायत दर्ज होने के बाद एक्टर ने मांगी माफी। मास्टर फेम एक्टर थलापति विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी, एक हुआ गिरफ्तार। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने डांस दीवाने पर लगाया नस्लवाद का आरोप, राघव जुआल ने दी सफाई। राजकुमार भूमि की बधाई दो, अब 4 फरवरी 2022 को होगी रिलीज। फिल्म में राजकुमार राव पुलिस अधिकारी और भूमि एक स्कूल की पीटी टीचर की भूमिका में आएंगे नजर। विजय ने माइक टाइसन के साथ शुरू की टाइगर की शूटिंग, 5 भाषाओं हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम में होगी रिलीज। टीकाकरण के लिए भाईजान का सहारा, महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए सलमान खान की मदद लेगी उद्धव सरकार। साउथ के सुपरस्टार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न देने का ऐलान, राज्य में 12 साल बाद दिया जा रहा है ये अवार्ड। रीशेड्यूल हुई लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग, लुक के कारण फिर पोस्टर पोस्टपोन हुई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।